राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल विलेज कुकिंग BHS में। आज हम बनाने जा रहे हैं वेज पुलाव। बहुत ही सिंपल रेसिपी है और बहुत ही कम टाइम पे बन जाता है। तो चलिए आप लोगों के साथ शेयर करते हैं कुछ आसान टिप्स। तो चलिए दिखाते हैं किस प्रकार से बनेगा और किन किन सामानों से बना रहे हैं हम। इसको बिना प्याज लहसुन के साथ बना रहे हैं, आप चाहें तो प्याज लहसुन के साथ भी बना सकते हैं। सभी सब्जियों को धो के हमने काट लिया है। हमने लिया है यहाँ पे मटर, मेथी, चने का दाल भिगो के रखा था हमने, आधा फूलगोभी, एक टमाटर, दो आलू, एक गाजर का टुकड़ा, 5 से 6 हरी मिर्च और अपना 2 इंच टुकड़ा अदरक। उसके बाद हम 1 4 बड़े चम्मच तेल लेके गरम कर लिए, 2 तेज़पत्ता, 2 लाल मिर्च, 5 से 6 काली मिर्च के दाने और 1 हरी इलायची, 1 चुटकी जीरा। हम इसको चटका लेंगे एक बार अच्छे से। उसके बाद हम इसमें बाकी हम इसमें अपना जो अदरक था उसको हम घिस के डाल लेंगे। आप चाहे तो इसका पेस्ट भी बना के डाल सकते हैं, हम यहाँ पे घिस के डाल रहे हैं। सब्जी को ऐड करते रहेंगे और हम इसको धीरे धीरे चलाते रहेंगे। हम इसको थोड़ा चला लेते हैं, उसके बाद हम एक एक करके सब्जी को डालेंगे। सबसे पहले हम डालेंगे हरी मिर्च, थोड़ा इसको डालेंगे और चलाते रहेंगे ताकि ये जल ना जाए। हरी मिर्च के बाद हम मोटी सब्जी जितनी भी है, फूलगोभी, आलू, गाजर, टमाटर को छोड़ के बाकी सभी सब्जी को डाल देंगे। टमाटर और मटर को छोड़ के सभी सब्जी को डाल देंगे। अब इसको चलाते रहेंगे ताकि ये नीचे से जल ना जाए। आप भी इस तरीके से चलाते रहें। उसके बाद हम अपने दाल को भी ऐड कर लेंगे। दाल को ऐड करके हम चलाते रहेंगे ताकि कोई भी सब्जी हमारी जल ना जाए। दाल ऐड करके चला लेंगे एक बार। उसके बाद हम डाल देंगे अपना मटर। मटर डालेंगे, मटर को भी हम चलाते रहेंगे। आंच को जो है मीडियम रखिए और बाकी टमाटर भी डाल देंगे इस स्टेज पे। हम टमाटर डाल के एक बार चला लेंगे सभी सब्जी को हल्का सा। उसके बाद हम डालेंगे अपना 1 चम्मच नमक, 1.5 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। हल्दी हमें आपको नहीं डाल रहे हैं, आप चाहे तो डाल सकते हैं। इसको थोड़ा चला के हम अपना चावल ऐड कर लेंगे। आप चाहे तो कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से। एक बार हम चावल को अभी हम बिना पानी को इसको थोड़ा भून लेंगे, अच्छे से चला लेंगे ताकि नीचे से जल ना जाए। जब तक ये चावल अच्छे से पानी सोख ना ले तब तक हम इसे चलाएंगे। उसके बाद इसमें हम धीरे धीरे पानी ऐड करेंगे आवश्यकता अनुसार। अभी हम इसको पानी ऐड कर दे रहे हैं, हल्का सा चिपक रहा था नीचे इसलिए। अब पानी ऐड करके हम इसमें ढक्कन लगा लेंगे। पानी आप अपने आवश्यकता अनुसार ऐड कर लें। अब इसी स्टेज में हम डाल देंगे अपना हरा धनिया और कटा हुआ मेथी पत्ता। थोड़ा सा चला के हम लगा देंगे अपना ढक्कन। और 3-4 सीटी तक हम इसको बढ़िया से पकाएंगे जब तक कि ये कुक ना हो जाए। तो जैसे ही कुक हो जाता है कुकर गैस रिलीज़ करके हम इसको एक बर्तन में निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं इसका कलर अच्छा आया है। वेज पुलाव बनाना बहुत ही आसान है, आप भी एक बार ट्राई कीजिएगा। और हमारा वीडियो आपको कैसा लगा हमें आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि इस प्रकार की वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो इस वीडियो में इतना ही, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इस वीडियो कैसा लगा। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। जय श्री राधे।